नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठते आए हैं। एक तरफ जहां अपराध बढ़ रहा है, सरकार इस पर अफसोस जताती आई है, दूसरी ओर विपक्ष बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरते आई है। वहीं अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार इन सभी परेशानियों को, इन सभी दिक्कतों को किस तरह से सुलझाया जाए। सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या सिर्फ बैठकें हो रही है? क्या सिर्फ पुलिस वालों को हिदायत दी जा रही है कि आप अपनी पुलिसिंग को और बेहतर करें? कि क्या कुछ उपाय भी निकाले जा रहे हैं? लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि बिहार में तीसरी आंख हर जगह नजर रखने वाली है। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे। पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जाएगा। इस क्रम में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप समेत तमाम प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पटना के डिविजनल कमिश्नर ने कहा है कि 31 मार्च तक सभी अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा है कि जहां पहले से कैमरे लगे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी एक महीने के अंदर अनिवार्य रूप से ठीक करा लिया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि हाल ही में पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के बाद बिहार सरकार और पुलिस पर कानून व्यवस्था को लेकर दबाव काफी बढ़ गया है। इस घटना के बाद सरकार अपराध को काबू में लाने के लिए तमाम उपाय कर रही है। इसी सिलसिले में पटना के डिविजनल कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने पटना और आसपास के इलाकों की सुरक्षा को लेकर कई नए निर्देश दिए हैं। उन्होंने पटना प्रमंडल के सभी जिलों के आवासीय अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सहित अस्पताल, बैंक, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप जैसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि जिन जिन अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगे हैं, वहां 31 मार्च तक ऐसे कैमरे लगवाना सुनिश्चित कराया जाए। जहां पहले से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी एक महीने के अंदर हर हाल में ठीक कराया जाना चाहिए। आदेश के तहत पटना डिविजन के पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिलों में आने वाले सभी आवासीय अपार्टमेंट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और बैंक आदि में 31 मार्च तक सीसीटीवी कैमरे को लगाना अनिवार्य हो गया है। तो सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि 31 मार्च तक सभी आवासीय अपार्टमेंट्स में सीसीटीवी ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। जहां पर पहले से कैमराज लगे हुए हैं और ख़राब हैं तो उन्हें ठीक करवाएं, और जहां पर नहीं लगे हैं वहां पर जल्द से जल्द लगवाएं। और जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, बैंक हो गए, ज्वेलरी की दुकान हो गई, उन सभी के सामने सीसीटीवी होना चाहिए। तभी जाकर बढ़ते अपराध को रोका जा सकेगा और कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में ये डर बैठेगा कि एक तीसरी आंख है जो उन पर हर वक्त नजर बनाए हुए है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।